मातारस्तनया त्वदुक्ति सरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदादेवी कथं त्वमन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलं श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। तीस पद्य वाला तिरुप्पावई ग्रंथ में आज 21वां पाशुर है। पहले 5 पाशुर जो है वो उपोद्गात रूप में है, उसके बाद 10 पाशुर जो है भागवतों को इन पाशुरों द्वारा जगा रहे हैं, और उसके बाद 5 पाशुर भगवान के अंतरंग कैंकर्य परों से प्रार्थना करके ही आगे जाना चाहिए करके जो विधिवाक्य है, शास्त्र वाक्य है, तदनुसार श्री नंद जी द्वारपालकों, क्षेत्रपालकों, यशोदा मैया और खास करके पुरुषकार करने वाली अम्मा जी, इन सब को जगा करके प्रार्थना करके प्रभु की ओर जा रहे हैं। 18वां पाशुर और 19वां पाशुर में अम्मा जी से प्रार्थना करते हैं, और कल हमने अनुभव किया कि अम्मा जी को भी जगाते हैं और प्रभु को भी जगाते हैं। तो आज के पाशुर में अम्मा जी भी अंदर से बाहर आकर के इन लोगों के साथ शामिल हो गई है, और अम्मा जी कहती है कि हम सब साथ मिलकर के प्रभु को जगाएंगे। मैं भी तो एक गोपी हूँ, आप लोगों के गोष्ठी के सहभागी हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ होना ही मेरे लिए उचित है, तो हम सब साथ मिलकर के प्रभु को जगाएंगे। तो प्रभु को जगाना तो है, प्रार्थना तो करना है, तो किस तरह जगाए? तो बोले कि आप पहले से ठीक तरह प्रभु को जगा रहे हैं, प्रभु को आप लोग अच्छी तरह समझ रखा है, उनको परात्पर बोलेंगे, परमेश्वर बोलेंगे, परंधाम बोलेंगे, तब इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको आप हे नंदसुत, हे नंदनंदन इत्यादि बोलेंगे तो प्रभु को तभी अच्छा लगता है। स्वयं कहते हैं कि नाहम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानवः, अहम वो बांधवो जातः। मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं कोई यक्ष नहीं हूँ, मैं गंधर्व नहीं हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ। जब गोवर्धन को प्रभु उठा लिया तब जितने भी गोप गण थे सब आपस में बोलने लगे, ये कोई अपना सा नहीं लगता है, क्योंकि बालक अगर हमारा है तो गोवर्धन को कहाँ से वो उठा पाएगा, तो ये कोई अपना नहीं है। तो कोई बोले ये देव, कोई बोले ये यक्ष, कोई बोले ये गंधर्व, कोई कोई बोले कि ये राक्षस भी हो सकता है। वो बोले मेरे को राक्षस नाम दे रहे हो। तो बोले कि ना हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानवः, अहम वो बांधवो जातः। मेरे को कोई पूछे कन्हैया तुम कौन हो, तो मैं बोलता हूँ मैं एक गोपाल हूँ, इन गोपों में एक हूँ, इस कुल के हूँ। लेकिन आप लोगों से मेरे बारे में कोई पूछते हैं तो आप लोग बोलते हैं ये शायद देव हो सकता है, शायद गंधर्व हो सकता है, शायद राक्षस हो सकता है, शायद यक्ष हो सकता है, ये क्या बात है।
मैं तो आपका हूँ, मैं तो गोपाल हूँ, प्रभु को वही अच्छा लगता है। इसलिए जब जगाते हैं तो जगाते समय आप हमारे कुल के है करके ये जो बात है, इस बात को समझा कर जगाना चाहिए। बात करने की जो तरीका है तो वो समझ कर बात करना चाहिए। हम क्या बोलेंगे तो आगे से सही रिप्लाई मिल सकता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें बात करना होगा। आप जाकर के हे देवदेव बोलेंगे तो प्रभु आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। आप बोलेंगे कि आप हमारे हैं, हमारे कुल के हैं, नाता जो है हमारे बीच में वो बहुत पुराना है, वो तो है ही आत्मनाथा। शरीर के हिसाब से देखा जाए तो भी देह संबंध जो है वो भी हमने प्राप्त किया है, तो हमारे कुल के हैं आप, तो इसलिए ऐसा जगाते हैं। ये तकलंगल यदिर पोंगी मी दलिप्पमाता दे पाल सुरियुं वल्लल पेरुं पशुकल। वल्लल माने उदार, पेरुं पशुकल बड़े बड़े गायों, वो सब उदार स्वभाव जो है वो दिखाते हैं प्रभु की तरह। प्रभु देखिए वेंडितेल्लाम तरुं कोदिल एन वल्लल मणिवन्नन। आळ्वार बोलते हैं मणिवन्नन, हे मणिवर्ण प्रभु, आपसे भक्तगण जो भी मांगते हैं वो आप प्रदान करते ही है। भक्तगण आपसे जो भी मांगते हैं वो आप प्रदान करते ही है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुहृतिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता जी में भगवान बोलते कि चार प्रकार के भक्त होते हैं मेरे। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त होते। पहले जो है प्रभु से धन तो मांगता है, धन की प्रतीक्षा करता है, बोलता है कि हमने कभी धन देखा ही नहीं है, तो वो धन प्रभु आप प्रदान करो, धन कभी देखा ही नहीं है आप प्रदान करो। तो कोई कोई भक्त ऐसे आते हैं कि पहले हम बहुत बड़े धनी थे, सब हाथ से निकल गया, अभी कुछ नहीं है, जो हमारा था वो वापस हमारा हो जाए तो वो कृपा करो। ये दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं। पहले जो है वो बोलते हैं कि कभी धन को देखा ही नहीं है, दे दो। और दूसरा जो है पहले धनी थे, आज हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं, पुनः वो उस धन को लौटा दो, ऐसे प्रार्थना करने वाले। और तीसरे जो होते हैं आत्मानुभव, जो कैवल्यानुभव बोलते हैं, अपने ही आत्मा को अनुभव करने की जो बात है उसको अवर मोक्ष बोलते हैं। अवर मोक्ष यानी मोक्ष तो है लेकिन ऊंचा मोक्ष नहीं है, थोड़ा नीचा है वो मोक्ष जो है। वो मोक्ष तो है लेकिन इतना मज़ेदार नहीं है, वो गलत है। देखिए ये आत्मा जो है भगवान की चीज है, भगवान के लिए है, ये भोग्य पदार्थ जो है वो प्रभु के लिए है। लेकिन मैं बोलूं कि बस मैं जो हूँ मेरा हूँ, मैं खुद का मेरा अनुभव करता रहूँ, मैं प्रभु के लिए भी नहीं हूँ और प्रकृति के लिए भी नहीं हूँ, मैं इधर भी आना नहीं चाहता हूँ उधर भी जाना नहीं चाहता हूँ, तो बीच में रह जाते वैकुंठ द्वार तक पहुँचते हैं। मानो वैकुंठ द्वार तक पहुँचते हैं लेकिन बोलते कि हम यहीं ठहर जाते हैं, आत्म साक्षात्कार किए हैं, आत्मानुभव करते करते बस हम यहीं रहेंगे, उसको बोलते हैं कैवल्यार्थी। वो जो प्रार्थना करता है कि मैं आत्मानुभव कर पाऊँ, वो प्रार्थना भी प्रभु से ही करता है, ये ध्यान रखिए। प्रभु से ये कहता है कि मुझे आपसे मिलना नहीं है, मुझे यहाँ भी रहना नहीं है, मैं मेरा ही अनुभव करता रहूँ, उसके लिए कृपा आप ही करो। मतलब धन जो है, संपत्ति जो है, स्वयं डिक्लेयर करता है कि मैं आपका नहीं हूँ, मैं आपका ना रहूँ, तो आप ही कुछ कर दो उसके लिए। ये तो जो है आत्मा प्रभु का ही है, लेकिन वो आत्मा प्रभु से बोलता है कि मैं आपका नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मेरा हूँ, तो उसके लिए आप ही कृपा करो, तो कैवल्यार्थी। और चौथा जो है उसको भगवान ज्ञानी बोलते। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ज्ञानी जो है
वो मेरा आत्मा है, भगवान बोलते हैं। ज्ञानी वो है जो मेरे पास आ करके मेरे को ही मांगता है, मुझसे और कुछ प्रतीक्षा जो नहीं करता है, उसी बंदा को प्रभु ज्ञानी कहते हैं। प्रभु के पास जाते हैं, मंगलाशासन करते हैं, प्रभु पूछते हैं आपको क्या चाहिए, बोलते हैं कि आप ही चाहिए, आपसे क्या चाहिए, आप ही चाहिए। तो चार प्रकार के भक्तों जो होते हैं, उन भक्तों के प्रार्थना के अनुसार उन चीजों को प्रदान करने वाले प्रभु जो है वो महोदार है। वो कौन है? महोदार है, उदार स्वभाव वाले हैं। तो जैसे प्रभु उदार स्वभाव वाले हैं, वैसे ही गोकुल के जितने भी गाय गण हैं, वो सब भी गाय समूह जो है, गो समूह जो है, वो भी उदार स्वभाव के होते हैं। आप कलश रखते जाइए, बर्तन रखते जाइए, वो दूध भरते ही रहते हैं। आखिर क्या होता है मालूम है? दूध अभी भी वो दे रही है, लेकिन रखने के लिए हमारे पास कोई बर्तन नहीं रहा। तो कमजोर हम में, हमारे में है, बर्तन नहीं है करके, लेकिन गायों तो देते रहते हैं। माता दे पाल सुरियुं वल्लल पेरुं पशुकल आट्रपड़ैतान मगने अरिवुराय मगने। तमिल में मगन बोलते, हिंदी में मगन माने थोड़ा जो पागल जैसे हो जाते हैं, तो मगन बोलते। तमिल में मगन माने पुत्र को मगन बोलते। बात सही है ना, पुत्र के प्रति पागल हो जाते। दुनिया में सबके सब पुत्रों के प्रति, बच्चों के प्रति पागल तो हो ही जाते हैं, तो इसलिए हिंदी में मगन शब्द का अर्थ ठीक ही रखा है। तमिल में मगन नाम जो दिया गया है, पुत्र जो है, मेरा पुत्र का क्या होगा, मेरा पुत्र का क्या होगा करके दुनिया वाले मगन के पीछे मगन हो जाते हैं। मगन के पीछे मगन तो हो ही जाते हैं। तो आट्रपड़ैतान मगने अरिवुराय आट्रपड़ैतान, आट्रपड़ैतान का मतलब धन वाला, संपत्ति वाला जो है उसको आट्रपड़ैतान ऐसा बोलते हैं। इन गायों को, परमोदार बड़ी गायों को अपने पास रखने वाले नंदगोप जी, बड़े बड़े गायों को अपने पास रखने वाले नंदगोप जी जो है वो आट्रपड़ैतान मगने ही। पिता पुत्रेण पितृमान योनियोनौ, कहते हैं कि प्रभु को अवतार जब करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न होकर के अवतार करते, खुश होकर के अवतार करते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान चौथा अध्याय में इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं। प्रसंगात स्वस्वभाव उक्ति ही, प्रसंगात अपने अवतारों की महिमा बताते हैं प्रभु। अवतार क्या है? अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना। प्रवचन सुन करके आप यहां से नीचे जाएंगे, वो एक अवतार है। बाहर आकर के हम भी घोषणा कर सकते हैं कि मैं अभी एक अवतार किया हूं, ऊपर से नीचे आया हूं, अवतार अतीति अवतार रहा। तो ऊपर से नीचे उतरना जो है वो अवतार ही है। तो हम भी तो करते हैं, दास भी तो ऊपर से नीचे आया, ऊपर वापस चढ़ेगा नीचे आएगा, तो अवतार तो हम भी करते हैं। मात्र ऊपर से नीचे आना अवतार नहीं है, अपने बड़े बड़े गुणों को, ऊंची गुणों को छिपा कर हमारे बीच में भगवान सौलभ्य परिपूर्ण हो करके जो शामिल हो जाते हैं, बहुत बड़े होते हुए भी यहाँ आ करके हमारे जैसे संसारियों के बीच में वो रहते हैं, हमारे कुल में अवतीर्ण होते हैं, वो अवतार है। मतलब ऊंचे गुणों को भूल करके नीचे आना। देखिए देवतागण जैसे इंद्र है, सोम है, अग्नि है, सूर्य है, सब है। यहाँ आप यज्ञादि करते हैं, इंद्रा यस्वाहा आ, इंद्रा इदन्नमा सोमा यस्वाहा, आहुति देते हैं। उस आहुति को लेने के लिए इंद्रादि देवताओं को यहाँ आना पड़ता है। आएंगे ही, ये दे रहे हैं तो लेने तो आएंगे ही, लेकिन वो लोग स्वर्ग में निवास करने वाले लोग भूमि आना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आहुति जो है वो यहीं से मिल रहा है, आहुति जो है वो यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, तो आना ही पड़ेगा।
लेकिन आना नहीं चाहते हैं, तो कैसे आते हैं मालूम है? नाक ऐसे बंद करके आते हैं, नाक बंद करके अपने पांव भूमि पे रखते ही नहीं है, तो सीधा के चलते लाओ ले जाते हैं, ऐसे लाओ आहुति में जाना है मेरे को। इस तरह जो देवता गण अपने पांव तक जहां रखना नहीं चाहते हैं, वहां प्रभु एक माँ के गर्भ में हमारे जैसे 10 महीने तक अथवा 12 महीने तक वो रह करके हमारे जैसे गर्भ से बाहर आते हैं और यहाँ रहते हैं। तो क्या बड़ी बात है ये, जब देवताओं भी आना नहीं चाहते हैं तो देवताओं को भी जो नात है, देवताओं के भी जो मालिक है, वो यहाँ प्रेम से आते हैं। तो अवतार की बात ही अलग है, इसलिए गीता में बोलते जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरा जन्म और उन जन्मों में मैं जो करता हूँ मेरे लिए तो वो दिव्य है, मेरे लिए तो वो प्रशंसनीय है, मेरे को अच्छा लगता है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अवतारों आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना क्या किया अवतार करके उन्होंने, किसने बोला अवतार करने के लिए, ऐसा क्या कर दिया अवतार करके। लोग नास्तिक लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। अरे हमने बोला क्या आपसे अवतार करो करके? हमने बोला क्या आप अवतार करो? आपने किया, आपकी मर्जी, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए आजकल कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, भगवान ने जो चीरहरण किया था, देखिए आप जब चीरहरण किया था, गोपी गण स्नान कर रहे थे तो उस वक्त किनारे पे अपने कपड़े रखकर स्नान कर रहे थे, तो प्रभु आए, उन वस्त्रों को ले जा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़कर एक शाखा में बैठ गए, तो इन लोगों के साथ इस तरह खेल रहे थे। तो नास्तिक लोग प्रश्न तो पूछते हैं, ये कोई खेल है? ये कोई खेल है? औरतों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह कोई व्यवहार कर सकता है? वो लोग ना रहे थे तो आपको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए सबसे पहले, तो आप वहाँ भूल से चले भी गए तो तुरंत वापस आ जाना चाहिए। अच्छा चले भी गए तो आपका जो काम है वो आपको करना था, आपने क्या किया? उन लोगों के वस्त्रों को अपहरण करके आप जा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, ये कोई सही बात है? ये करने योग्य है? मैंने बोला कन्हैया देखिए आपने जो किया है ना ये ईव टीसिंग है, आपने जो किया ये गलत है। अगर मालूम पड़ेगा वो औरतों जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं, वाट लग जाती आपकी, आपको तो छोड़ेंगे नहीं कोई, तो आप कैसे ऐसे किया? तो देखिए इसके पीछे एक शास्त्र की बात है, भगवान ने जो भी किया पीछे पीछे शास्त्र है, खाली एक खेल नहीं है, ये कोई खेल भगवान थोड़ी खेलेगा, ऐसा हम भी जो नहीं करेंगे वो काम प्रभु करेंगे, प्रभु तो रक्षक होते। तो इस तरह अगर खेलने वाले होते हैं तो द्रौपदी को साड़ी क्यों भेजा उन्होंने? अगर स्वभाव प्रभु का इस तरह है तो द्रौपदी की जो मान है वो बचाया, सभा बीच कृष्ण 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 पुकारी, द्रौपदी पुकारी। सूरदास जी बोलते हैं दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, दीन जनों के दुख को अपहरण करना रहा और संत जनों को हित करने वाले, तो सभा बीच कृष्ण 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 करके वो पुकारती थी, चिल्लाती थी, तो प्रभु तो मान बचा लिया उस वक्त। तो ऐसे प्रभु इन गोपियों के साथ इस तरह व्यवहार कैसे करेंगे? मगर किया है तो क्यों किया है? शास्त्रों में इस तरह एक वचन आता है, जब भी हम स्नान करते हैं तो निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वस्त्र होना चाहिए, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वस्त्र तो चाहिए ही, इसलिए तो शाटी वस्त्र बोलते। कभी सुना होगा कि पता नहीं, शाटी वस्त्र करके स्नान करते समय पहनने योग्य एक वस्त्र रखते हैं, वो पहन के ही स्नान करेंगे, क्योंकि जल जो है उस जल के लिए एक अभिमानी देवता है, उस जल के लिए एक अभिमानी देवता है, उस जलाभिमानी देवता की अपमान कभी ना होवे, उसके ध्यान रखते थे। जलाभिमानी देवता जो है उस देवता का अपमान नहीं होना चाहिए, उसमें देवता का मतलब देवता जो है उसमें मौजूद है, तो हम सामने हो करके निर्वस्त्र हो करके खड़े रहेंगे तो उचित बात नहीं है। तो दोनों के लिए निर्वस्त्र हो करके स्नान नहीं करना चाहिए। और इस शास्त्र की ये जो बात है, इस बात को समझाने हेतु
प्रभु गोपियों के साथ इस तरह एक खेल खेलते हैं। बाकी बाद में ये बात बताते भी हैं कि आप लोगों ने इस तरह गलती किया तो समझाने के लिए इस तरह किया हूँ। और एक बात है, मैं आ गया तो वापस दे रहा हूँ कपड़ा, तो और कोई दुराचार व्यक्ति आता है तो कपड़े ले जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो इसलिए बचाया मैंने आप लोगों को। तो देखिए प्रभु बोलते जन्म कर्म चमे दिव्यों, फिर भी मैं बोलूं आपने जो किया वो तो ईवटी सिंह ही है। प्रभु बोलते हैं आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने जो कुछ किया वो मेरे को अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे ना लगे। इसलिए अवतारों प्रभु करते हैं, अवतार में जो कुछ वो करते हैं उनको अच्छा लगता है। प्रभु बोलते हैं कि आपको अच्छा लगे ना लगे मैं तो परवाह नहीं करता हूं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो लोग इस अवतार की महिमा को अच्छी तरह समझ लेता है, जान लेता है, क्योंकि अवतार रहस्य ज्ञान बोलते हैं, अवतार रहस्य ज्ञान से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की अवतार रहस्य ज्ञान को कोई बंदा समझेगा, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, बोलते हैं अर्जुन सहा, वो जो बंदा है जो अवतार रहस्य ज्ञान को प्राप्त करता है, इस देह को त्याग करने के बाद कभी इस दुनिया में, इस प्रकृति मंडल में वो आता ही नहीं है, ऐसे भगवान बोलते हैं। और वेदों में देखिए, अजायमानो बहुधा विजायते, अजायमानः पुरुष सूक्त में आता है। पुरुष सूक्त जो है वेद के सार भाग माना जाता है। वेदेषु पौरुषम सूक्तम धर्मशास्त्रेषु मानवम, भारते भगवद्गीता पुराणेषु च वैष्णवम। याद रखने योग्य है, वेदेषु पौरुषम सूक्तम, वेद जो है अनंतावै वेदाः, वेद जो है उस वेद का कोई आदि अंत नहीं है, तो अनंतावै वेदाः, वेद का नाम क्यों वेद पड़ा है, वेद मतलब क्या है? वेद का अर्थ होता है वेदयतीति वेदः, जो हम नहीं जानते हैं उस बात को जो समझाते हैं उसे हम वेद कहते हैं, जो हम नहीं जानते हैं उस बात को जो समझाते हैं उसको ही वेद कहते हैं। तो वेदयतीति वेदः, तो अनंतावै वेदः, उन वेदों में श्रेष्ठतम भाग क्या है, उच्चतम भाग क्या है? तो पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त को वेदों के उच्चतम भाग बोलते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपात, स भूमिं विश्वतो वृत्वा अद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं, पुरुष एवेदहं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यं। इस तरह वेद का, उसका पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। तो आखिर वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, प्रभु को कहते हैं वेदाहमेतं, वेद पुरुष मैं बोलता हूँ, वेद में इस तरह आता है, वेद पुरुष मैं बोलता हूँ, इस पुरुष को मैं महात्मा समझता हूँ। भगवान जो है महात्मा है। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज एक बार रंगनाथ प्रभु के सामने गए, खड़े हो गए, प्रभु बोले आप तो स्तुति करने में समर्थ है, स्तुति कीजिए। स्वामी जी बोले मैं तो स्तुति नहीं कर सकता हूँ, आपके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, आपके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोलने के लिए हजार मुंह चाहिए मुझे। प्रभु बोले शेषनाग तेरा सब कुछ दे दो, प्रदान करो। तो प्रदान किया तो प्रभु बोले कि आपके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप, पहले तो बोला था सहस्र मुंह मिल जाए, जीभ मिल जाए, जुबान, तो आप बोल पाएंगे। स्वामी जी बोले आपके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोलने के लिए हजार जीभ चाहिए, आपके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ करके बोलने के लिए शेषनाग की तरह हजार जीभ चाहिए मुझे, हजार जीभ मिल जाए तो मैं क्या बोलूँगा, आपके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, आपके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, बोलने के लिए हजार जीभ चाहिए, तो बोलने के लिए, स्तुति करने के लिए कर ही नहीं सकते ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, वेद स्वयं बोलता है कि मैं प्रयत्न तो करता हूँ मगर प्रभु की जो महिमा है उस महिमा का वर्णन जो है मैं पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातो विजानताम विज्ञानम अविजानताम। ध्यान दीजिए, अद्भुत बात है,
सत्तु भैया से पूछा, आप भगवान को जानते हैं? वो बोले कि मैं जानता हूँ, पूरी तरह जानता हूँ प्रभु को। फिर आपसे मैं पूछा, सीताराम जी से पूछा, आप प्रभु को जानते हैं? वो बोले कि प्रयत्न तो किया हूँ मगर मैं जानता नहीं हूँ, प्रयत्न तो किया हूँ मगर मैं जानता नहीं हूँ, प्रभु को पूरी तरह नहीं जानता हूँ। अभी फैसला आपसे पूछा, माधव जी से, अभी इन दोनों में से कौन जानते हैं प्रभु को? तो आप बोले सीताराम जी आप ही जानते हैं प्रभु को, सीताराम जी आप ही प्रभु को जानते हैं। लेकिन मैं आके आपसे पूछा कि अरे सत्तु भैया बोले थे कि मैं जानता हूँ करके वो स्वयं बोलते हैं, लेकिन आप फैसला इस तरह करते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि वो तो बाहर के हैं, ये अपने ही भैया है तो बाद में मना लेंगे, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्या? बोले बोले नहीं नहीं सीताराम जी बोले वो सही है। क्यों? प्रभु के बारे में जानना इसका मतलब क्या मालूम है? प्रभु के बारे में हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान सकते हैं, ऐसा जानना ही प्रभु के बारे में जानना है। उनके बारे में हम पूरी तरह जान नहीं सकते हैं, ऐसा जानना ही प्रभु के बारे में जानना है। अगर कोई बोलते कि मैं ठीक तरह जानता हूँ भैया, तो आप कुछ जानते ही नहीं है। क्यों? जिनके बारे में कभी जानना संभव ही नहीं है, तो उनके बारे में आप बोलते कि मैं जानता हूँ, तो आप उनको जानते नहीं है। तो आज से हम भी क्या बोलेंगे, हम नहीं जानते आपको प्रभु, आपको हम नहीं जानते। लेकिन आळ्वार गण जानते हैं, आळ्वार गण पूरी तरह जानते हैं। क्यों? अपने प्रयत्न से प्रभु को जानने की जो चेष्टा करते हैं वो लोग प्रभु को समझ नहीं पाते हैं, जो प्रभु प्रयत्न करके आकर के आळ्वारों को विशेष कृपा करके अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं, तो वो लोग प्रभु को पूरी तरह जानते हैं। देखिए, एक अराजक देश है जहाँ कोई राजा नहीं है, तो हमारे तमिल देशों में, तमिल राज्यों में पहले ऐसा हुआ करता था, कोई राजा नहीं है देश में, तो राजा के जो हाथी है उस हाथी के सूंट में एक हार दिया जाता है, हाथी के सूंट में एक हार दिया जाता है, वो ऐसे लेकर के पूरा घूम के आएगा शहर में, कोई भी सामने आवे हाथी को लग जाए कि ये हार इनको पहनाना है, हाथी को मन में लागे, तो उसी क्षण किसी के गले पर वो हार डाल देता है, वो बंदा उसी क्षण से राजा बन जाता है। देखिए, तो हम जा करके हाथी को बोल सकते हैं क्या? देखिए, मैं उस कोने पे एक दुकान है तो बाहर खड़ा हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, याद रखना मैं इशारा इस तरह करूँगा ना तो तेरे को मेरे पास आना है। कोई हाथी को इस तरह समझा सकता है? नहीं, वो तो अपने हिसाब से काम करने वाला एक प्राणी है, तो चाहे किसी के ऊपर भी, किसी के गले में भी वो हार वो डाल सकता है। एक हाथी इस तरह है तो प्रभु के बारे में क्या बोले? तो प्रभु क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ जीवात्माओं को चुन करके, उन जीवात्माओं को आळ्वारों के पद दे करके आप अपने बारे में सब कुछ बताते हो, सब कुछ समझाते हो, मतलब हार जो है आप उन्हीं लोगों को पहनाया, क्योंकि मैंने प्रभु से लड़ाई की, आप मेरे को आळ्वार क्यों नहीं बनाया, मेरे को ऐसे भक्त क्यों नहीं बनाया, भक्तराज क्यों नहीं बनाया? तो प्रभु बोले, सामान्य एक हाथी से भी ये प्रश्न तू नहीं पूछ सकता है, तो मुझसे कैसे पूछ सकता है? इसलिए तो षटकोप स्वामी जी को एक नाम दिया गया है, परांकुश नाम दिया है। पर माने परमात्मा, परमात्मा जो हाथी है उस हाथी को अपने वश में लाने योग्य एक अंकुश की तरह जो विराजमान है उसको परांकुश बोलते हैं। और एक अर्थ है, पर माने जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले जो आते हैं, दुश्मन लोग जो आते हैं, वो पर शब्द से समझा जाते हैं। परांकुश उन दुश्मनों हाथियों की तरह उन दुश्मन लोग आते हैं तो उन दुश्मनों को अपने वश में लाने योग्य एक अंकुश की तरह, अंकुश को देख करके हाथी तो डर जाता है, तो षटकोप स्वामी जी को देख करके दुश्मन हाथी के सदृश दुश्मन जितने भी है वो सब डर जाते हैं। तो परांकुश शब्द का दो अर्थ इस तरह है, वो भी है और अवैधिक लोग जितने भी आते हैं, जैसे देखिए प्रभु को कोई गुण नहीं है करके भी कोई बोलते हैं, तो उयर वरा उयर नाला मुडा यवन यवन अवन, पहले ही पाशुर में अंकुश डाल देते हैं। प्रभु गुणशाली है, समस्त कल्याण गुणात्मक, भगवान जो है कल्याण गुण के भंडार है, ऐसा बोलते। तो उन लोगों के
गले पकड़ लेते हैं, वैसे श्रीकोप स्वामी जी महाराज गला पकड़ लेते हैं और मौका ही नहीं देते हैं बोलने की, और अपने जो सिद्धांत है उसको स्थापना करते हैं और उन हाथियों को दबा के रखते हैं अंकुश की तरह। ये एक बात है। तो आत्तपड़ितान मगने, तो वेदोश वेदेशु पौरुषम सूक्तम, भगवान जो है वो महात्मा है, तो पुरुष सूक्त जो है वो मुख्यतम भाग है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरहा नामानि कृत्वा भिवधन्यदास्ते दाता पुरस्तात्यमुदा जहारा चक्र प्रविद्वान प्रतिशत श्रहातमेवं विद्वान अमृत यह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि प्रथमानि तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनागम महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः। इस तरह पुरुष सूक्तों में गाते हैं, प्रभु का वर्णन करते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः, प्रभु के शीर्ष जो है वो सहस्र है, मतलब असंख्य ही है। सहस्राक्षः, प्रभु के नेत्रों जो है असंख्य ही है, प्रभु के चरणारविंदों जो है वो असंख्य ही है। इस तरह वर्णन करते करते अजायमानो बहुधा विजायते यस्य धीराः परिजानन्ति योनिं, अजायमानः जो कभी जन्म लेता ही नहीं है, बहुधा विजायते अनेक प्रकार से जन्म करने वाला है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, अवतार जो कभी जन्म लेता ही नहीं है। वेद इस तरह कहता है, ध्यान दीजिए, तुरंत और कहीं नहीं, दो चार पन्ने छोड़ के नहीं, वहीं बहु प्रकार से जन्म लेने वाला है, जो कभी जन्म लेता ही नहीं है वो जो है बहु प्रकार से जन्म लेने वाला है, ले रहा है। मैं बोला वो जन्म लेता है कि नहीं है, तो बोले कि हमारे जैसे कर्म की वजह से प्रभु का अवतार नहीं होता है, हमारा सब कर्म के गति है, कर्म के हिसाब से अपना जन्म हुआ है, कौन माँ बाप, कौन पति पत्नी, कौन बच्चे, किधर जाएंगे, कैसे रहेंगे, कब तक रहेंगे, सब कर्म गति है, कर्मों के हिसाब से चलने वाले होते हैं हम सब। प्रभु आते हैं तो कृपा की वजह से आते हैं, तो अपने इच्छा से आते हैं। इच्छा गृहीतो अभिमतो रुदेहः, श्री विष्णु पुराण में बोलते हैं इच्छा गृहीतो अभिमतो रुदेहः, प्रभु बैठ करके वो निर्णय करते हैं किधर अवतार करूं, किसका बालक बनूं, किससे शादी करूं, किसको वध करूं, सब वो निर्णय करते हैं और कब तक जीना है। देखिए रामावतार जब हुआ था 11,000 साल से अधिक रहे राघवेंद्र सरकार, कृष्णावतार हुआ था 100-125 साल से ज़्यादा नहीं है, चले गए। मैंने पूछा उस अवतार में इतना रहे, इस अवतार में इतना कम रहे, भगवान बोले बस मेरी मर्जी, तब लगा कि रहना इतना, अभी लगता है कि इतना काफ़ी है। तो प्रभु बोलते तो अपने इच्छा से करते हैं, अपने इच्छा से सब करते हैं। हमारे जो जीवन है उसमें देखिए उत्पत्ति स्थिति नाशानाम स्थितौ चिंता कुतस्तव यथोत्पत्तिर यता नाशः स्थितिस्तद्वत् भविष्यति। अपना जन्म हुआ है, जन्म होने से पहले कभी अर्जी लिख करके देना पड़ता है क्या, मैं इस तरह जन्म लेना चाहता हूँ, पुरुष बनना चाहता हूँ अथवा स्त्री बनना चाहता हूँ, और गोरा काला उसका कोई है तो टिक कर दो, गोरा या काला टिक कर दो, और नेशनैलिटी आपको क्या चाहिए, अमेरिका चाहिए, अमेरिका, चेन्नई, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ऐसा कुछ दिखाते हैं क्या, उसमें टिक कर दो। माँ बाप वो भी नहीं है, कब तक माँ बाप हमारे साथ रहेंगे, हम कब तक माँ बाप के साथ रहेंगे, कुछ पूछते नहीं हैं। तो ठीक है, जन्म का हम किधर लेना है, कैसा लेना है, कोई एप्लीकेशन तो नहीं है। मैंने प्रभु से बोला ये तो ठीक है जन्म अपने हिसाब से आपने दे दिया, कम से कम मृत्यु के लिए कोई एप्लीकेशन है तो बताओ, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, हम लिख के दे देंगे। हम उसमें क्या करेंगे, पहले वो तारीख लिख दो कब मरना है, तो हम बोलेंगे कि अभी 2021 हुआ ना, तो ये 20 आगे लगाना ही नहीं चाहिए अभी, मतलब 21 21, तो और 100 साल हुआ, तो सोचेंगे नहीं इतना भी नहीं है, वो खाली रखेंगे, वो बाद में कभी भरेंगे, वो मन जब होगा तब जाने का। भीष्म पितामह को वरदान दिया गया था, अब जब चाहते हैं तब आ सकते हैं, तो इस तरह कोई एप्लीकेशन में कोई हो तो उसके लिए कुछ फ़ी भरना भी पड़े तो हम भर लेते हैं,
तो प्रभु से पूछा कि कोई इसके लिए एप्लीकेशन है, तो बोलिए प्रभु बोले उसके लिए भी एप्लीकेशन नहीं है, तो मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं है, मेरा मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। तब प्रभु बोलते हैं कि जब जन्म तेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है, तो बीच में जो रहने की जो बात है उसके लिए तू काई का चिंता करता है, वो भी मेरे पर छोड़ दो। जब तेरा जन्म मेरे हाथ में है, तेरा मृत्यु मेरे हाथ में है, तो बीच में रहने की जो बात है वो भी मैं ध्यान रखूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, स्वयं बोलते हैं ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। इस श्लोक को कोई अच्छी तरह सही में समझता है, इस श्लोक पर सही में कोई दृढ़ अध्यवसाय रखता है, तो वो बंदा कभी भी किसी भी बात के लिए वो चिंता करेगा ही नहीं। प्रभु बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं तो वो संभालेंगे, पेट उन्होंने दिया तो भरेंगे, भरना उनका काम है। बगीचा आपने बनाया तो वहाँ जाके पानी डालना आप ही का काम है, तो प्रभु करेंगे, तो ये होना चाहिए। तो महांतम अजायमानो बहुधा विजायते, हमारा जन्म जो है कर्म के हिसाब से, प्रभु अवतार लेते हैं मतलब अजायमानः, जन्म लेते नहीं है, कर्म के हिसाब से जन्म लेते नहीं है। बहुधा विजायते, इच्छा को लेकर के प्रभु अवतार करते हैं, अपनी इच्छा से अवतार करते हैं। तो आत्तपड़ैतान मगने अरिवुराय, आत्तपड़ैतान संपत्ति वाला धनी नंद जी के ये सुपुत्र, क्योंकि अम्मा जी ने ये सिखाया इस तरह जगाओगे ना तो प्रभु खुश होकर के उठ जाएंगे। नंद जी के सुपुत्र बोले आप, नंद जी के सुपुत्र बोले, इसे भगवान प्रसन्न हो जाते। यहाँ देखिए आत्तपड़ैतान माने हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जी को बोलते हैं आत्तपड़ैतान, धनी जो है वो रामानुज स्वामी जी महाराज है, धनी जो है वो रामानुज स्वामी जी महाराज है, और धनी के पुत्र जो है वो मेलकोट के संपत कुमार भगवान है, मेलकोट यतिराज संपत कुमार बोलते हैं। प्रभु जो है वहाँ युवराजा है, रामानुज स्वामी जी जो है वहाँ के राजा है, प्रभु जो है वहाँ युवराजा है, इसलिए तो कभी भी प्रभु बाहर जाते हैं साथ में, दोनों श्रीदेवी भूदेवी साथ जाते हैं तो रामानुज स्वामी जी भी साथ साथ आ जाएंगे। इसके पीछे एक मर्म है, दास बताना चाहेगा, षटकोप स्वामी जी महाराज एक बात बोलते हैं, षटकोप स्वामी जी महाराज त्रिकोणूर करके एक दिव्य देश है, ध्यान दीजिए बहुत अद्भुत बात है ये, त्रिकोणूर नामक एक दिव्य देश है आळ्वार त्रिनगरी के पास, वहाँ प्रभु विराजमान है। निक्षेप वित्त नाम है प्रभु का नाम, वित्तमानिधि, जो तैयार रखा गया धन हमारे लिए, जो तैयार सिद्ध धन जो है प्रभु ही है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम बोलते हैं ना, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, साक्षात धन क्या है तो बोलते हैं प्रभु जो है वही हमारे लिए धन है, प्रभु से बढ़ करके कोई धन तो है ही नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था, कन्हैया लेट रहे थे, आराम कर रहे थे, तो मिलने के लिए पहले दुर्योधन आया था प्रभु से, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो कन्हैया के पास तो सेना है, उस सेना को मैं प्राप्त कर लूँ, तो वो पूछने आया था। प्रभु सो रहे थे, सोते समय जगाना नहीं चाहिए, सोते समय कोई बंदा सोता है तो उन्हें जगाना नहीं चाहिए, तो कोई उठकर बोले कि हमारे मम्मी को बोलना आप ये बात, ज़रा रोज़ ऐसे जगाते ना, ये शास्त्र ज्ञान मम्मी को नहीं है, इतने बड़े हो गए फिर भी इस बात को जानते नहीं हैं, तो आप और दो बार ये बात बोलना। तो दास ये बोलता कि बात बिल्कुल सही है, सोते समय नहीं जगाना चाहिए, लेकिन सुबह 8-9 बजे तक सोते हैं तो जगाना ही चाहिए, नहीं जगाओगे तो पाप लगता है। अगर रात को आधी रात किसी को जगाते हैं तो जगाने से पाप लगता है, सुबह होने के बाद किसी को नहीं जगाते हैं तो नहीं जगाने से पाप लगता है। तो आप बोले कि मम्मी को कुछ बोलने का ही नहीं, अभी जगाने के लिए भी मत बोलो, नहीं जगाने के लिए भी मत बोलो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इस तरह प्रभु तब सो रहे थे तो दुर्योधन आया, तो सोचा कि बैठ जाऊं, तो देखा तो इस गोपाल के पांव के पास कौन बैठेगा, मैं उधर बैठता हूं करके भगवान के सर के पास बैठ गए। थोड़ी देर में अर्जुन आए, अर्जुन को देखा, अर्जुन देखा बहुत अच्छा लगा, दुर्योधन भैया नमस्कार, तो दुर्योधन करके इस तरह मुँह मोड़ता है, क्या बात करना है तुमसे। फिर भी अर्जुन को लगा दुर्योधन बहुत अच्छे हैं, क्यों,
मेरे लिए भगवान के चरणों के पास जगह छोड़ा है, वो देखो मेरे लिए भगवान के चरणों के पास जगह छोड़ा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। तो वहाँ बैठ गए, जैसे प्रभु उठे तो अर्जुन कैसे हो, हाउ आर यू, सब ठीक ठाक है भाई लोग कैसे हैं। तब दुर्योधन यहाँ से करता है, मतलब मैं बैठा हूँ, पहले मैं आया हूँ, कन्हैया इस तरफ देखो, पहले मैं आया था, ये पूछताछ सब यहाँ करो पहले। हाँ दुर्योधन आप भी आए हो क्या, क्या बात है, दोनों एक साथ आए हैं, तब दोनों राजी हो गए क्या, अभी युद्ध कैंसिल कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला आया था, वो अकेले आया है, वो किसके लिए आया है वो मेरे को नहीं पढ़ना है, पहले मैं बोलता हूँ, तू इस युद्ध में लड़ने वाला क्या है? मैं नहीं लड़ने वाला, तो इतना बड़ा सेना है तेरे पास, वो क्या करने वाले हो? कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, तो सेना मेरे को दे दो, मेरे पक्ष में आकर के पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी जो सेना है वो मुझे प्रदान करो। भगवान बोले ठीक है, मांगता है तो दे देता हूँ, चलो हाँ बहुत खुश हूँ मैं जाता हूँ, चलता हूँ। दुर्योधन निकल गया। दुर्योधन देखिए कन्हैया को अपमान करता है, पांडवों को अपमान करता है, सहदेव जो है वो ज्योतिषकार था। तो देखिए जिस दिन युद्ध प्रारंभ करने से जीत हमारी होगी करके ज्योतिषकारों से पूछना था, तो दुर्योधन पहुंच गया किधर, सीधा सहदेव के पास, सहदेव के पास पहुंच गया और पूछा कि आप तो ज्योतिष शास्त्र के निपुण हैं, आपको मालूम है कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा है, तो आप कृपा करके बताइए कि किस दिन युद्ध प्रारंभ करने से जीत हमारी हो सकती है। तो उन्होंने सही तरह लिख के दिया, बोलो सही तरह लिख के दिया, जो सच है वो लिख के दिया। बाकी चारों भाइयों बोलने लगे कि क्या किया, धर्मपुत्र भी पूछे, भले नाम धर्मपुत्र बहुत अच्छे हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इस तरह हम अपनी हार हम खुद लिख के तो नहीं देते हैं, झूठ तो नहीं बोलता हूं मैं, धर्मपुत्र बोले युधिष्ठिर, खुद हमारी जो हार है वो हम लिख के देंगे, तूने ऐसा काम क्या कैसे किया? तब वो बोलता है देखिए जो ये विद्या जो है मैं अध्ययन किया हूँ, अभ्यास किया हूँ, तो कोई बंदा आकर के पूछते हैं तो मेरे को सही बताना पड़ेगा, वो चाहे हमारे दुश्मन हो। महाभारत में इस तरह कथा तो अनेक प्रसंग आते हैं। द्रुपद जो है द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक पुत्र को पैदा किया धृष्टद्युम्न, और द्रोणाचार्य को मारना है तो द्रोणाचार्य से बढ़कर वीर तो होना चाहिए, तो उनके पास अस्त्र शस्त्र विद्या जो है उन्हीं के पास सीखना पड़ेगा। तो धृष्टद्युम्न को भेजा, बेटा तू जा वहाँ, द्रोणाचार्य जी है बहुत बड़े गुरु जी है, उनके पास जा करके तू अध्ययन कर, अस्त्र शस्त्र विद्या सीख के आ जा, और गुरु महाराज पूछेंगे तेरे को क्यों सीख रहा है ये तू, तब तेरे को बोलना चाहिए गुरु महाराज आपको मारने के लिए ही, आपको वध करने के लिए आपके पास आया हूँ, ये सीखने आया हूँ। उन्होंने सच बोला भी सही, आपको वध करने के लिए आपके पास मैं अध्ययन करने आया हूँ, मुझे सिखाओ, तो उन्होंने सिखाया। कारण क्या है, विद्या आपके पास है। दास बताना चाहेगा, माधव जी का फ़ोन आया था, जैसे आपने बताया था कि स्वामी जी को फ़ोन करो, अभी इस साल यहाँ आ सकते हैं तो हम संभालेंगे आपको, आप आइए, आप शाम को यहाँ प्रवचन करेंगे, सुबह रखेंगे, जैसे अनुकूलता के हिसाब से। मेरे को मना नहीं करना चाहिए, मेरे को मना नहीं करना चाहिए, मतलब जो काम आपका है वो काम करने कोई बुलाते हैं, उसमें से कुछ आपसे कुछ पूछते हैं, तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। बुलाते हैं भक्तगण तो वहाँ जाना ही चाहिए, कुछ पूछते हैं सत्संग के लिए तो करना ही चाहिए, जो हम जानते हैं वो तो हमको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह सहदेव बोले कि मैं इसलिए लिख के दिया हूँ, तो आप पूछ सकते हैं तो कैसे फिर हार गए कौरव लोग, फिर हार गए कैसे? तो प्रभु बोले कन्हैया को ये मालूम पड़ा, बैठे बैठे प्रभु को लगा कि अच्छा इस तरह वहाँ हुआ है क्या, तो ठीक है क्या किया जाए, तो सीधा गए सहदेव को बोले, तारीख निकाल के दे दिया, हाँ दे दिया, कौन सा दिन, अमावस के दिन लिख के दिया हूँ मैं, तो उस दिन शुरू करेंगे ना, तो जीत उन लोगों का पक्का है। तो क्या करे, अभी अमावस के दिन है ना, तो पिछले दिन मतलब अमावस्या के अगले दिन प्रभु ने क्या किया, एक नदी तट पे भट गए, तर्पण करने के लिए भट गए, वैसे तो अमावस के दिन ही तर्पण देते हैं, प्रभु अगले दिन भट गए, पहले ही दिन भट गए, तो उस वक्त जो चंद्र सूर्य होते हैं तो एक दूसरे से पूछने लगे कि देखिए
हम दोनों एक साथ मिलने वाले जो है वो तो कल ही है, अमास जो है वो तो कल ही है। ये कन्हैया आज बैठ कर ये क्या कर रहे हैं, तर्पण आदि कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, ये कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा है, आके जाके पूछ के आते हैं। तो दोनों एक साथ आए, ध्यान दीजिए, दोनों एक साथ आकर के कन्हैया से पूछने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, हम दोनों तो कल ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं, आप आज बैठ कर श्राद्ध कर रहे हैं, आज अमास नहीं है कल ही है। तो प्रभु बोले आप दोनों एक साथ मिलकर के आज तो आ ही गए, अभी आज ही तो अमास है, फिर एक साथ आ करके आज क्यों कर रहे हैं करके पूछने के लिए तो आप दोनों आए हैं। तो एक साथ जब दोनों आ ही गए तो ये दिन तो अमावासी है, तो मैं आज करने में क्या दिक्कत है। तो दोनों बोले ठीक है, ऐसा बोल के निकल गए, फिर क्या बोलेंगे। और तो उस दिन अमास बन गया। आज भी कुछ लोग ऐसे, कुछ सूत्रों के अनुयायी लोग ऐसे होते हैं कि पहले दिन ही अमास का तर्पण आदि करते हैं। आज भी जैसे बोधायन आदि सूत्रों के होते हैं, दास लोग होते हैं आपस्तंभ सूत्र के होते हैं, इस तरह बोधायन सूत्र के जो होते हैं, कात्यायन सूत्र के होंगे, तो ऐसे लोग पहले ही बोधायन सूत्र वाले पहले दिन ही कर लेते हैं। तो देखिए प्रभु एक एक बात को इस तरह तोड़ा, मतलब सहदेव ने जो किया उस पर ध्यान रखते हुए, पांडवों जीत पांडवों की हो उसके लिए बहुत काम किए हैं। तो अर्जुन को बोले तेरे को पहले आना था, देखो सेना दुर्योधन लेकर के चला गया, अभी क्या करेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे सिवाय। अर्जुन बोले मेरे को तो आप ही चाहिए और क्या चाहिए, मेरे को आप ही चाहिए और क्या चाहिए। तो प्रभु तो आ गए, सारथी बन के आ गए, तो प्रभु साथ होते हैं तो जीत भक्तों की पक्का है, जरूर जीत जाते हैं। कृष्णाश्रयाः कृष्ण बलाः कृष्णनाथाश्च पांडवाः, पांडवों के पास और क्या बल, कुछ नहीं है। पांडवों के पास बल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो साथ थे, इसके सिवाय कोई बल नहीं है, और इससे बढ़कर कोई बल चाहिए भी नहीं है, इससे बढ़कर कोई बल चाहिए ही नहीं। इसलिए धनम मदीयम, अर्जुन क्या बोले, मेरे लिए धन जो है कन्हैया आप ही है। तो रामानंद स्वामी जी को धनी बोलते हैं, संपत्ति वाले हैं, श्रीमान हैं। श्रीमान इसलिए बोलते हैं कि प्रभु को जो अपने हाथ में अपने वश में रखते हैं वो श्रीमान है। तो रामानंद स्वामी जी महाराज कांची से श्रीरंगम गए, तो कांची से श्रीरंगम गए तो पहले थोड़ा नाराज थे, कांची छोड़कर जाने का मन ही नहीं था, लेकिन जाना पड़ा तो गए वहाँ, तो नाराज थे। तो प्रभु देखा कि ये नाराज है तो कैसे मैं उसको मना लूँ, अभी कुछ तो करके कुछ तो करना ही है, तो क्या करूँ। तो प्रभु बोले देखो आपको एक नाम देता हूँ और आपको एक संपत्ति देता हूँ, पकड़ चावी रखो, नित्य विभूति लीला विभूति दोनों आप ही का है। तो स्वामी करके एक नाम दिया। आज भी भूतपुरी में रामानंद स्वामी जी को वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी स्वामी स्वामी करके ही बोलेंगे। स्वामी का त्रिमंजन 12 बजे होने वाला है, स्वामी शाम को पधारेंगे, स्वामी बोलते हैं। स्वामी माने स्वम के मालिक जो है, स्वम माने संपत्ति, संपत्ति के मालिक जो है उसी को स्वामी बोलते हैं। नित्य विभूति लीला विभूति दोनों रामानंद स्वामी जी के अधिकार में हैं, तो इसलिए रामानंद स्वामी जी को स्वामी बोलते हैं। तो नाम दिया, उदयवर करके नाम दिया, स्वामी बोले। और देखिए गद्यत्रय अनुसंधान करते समय रामानंद स्वामी जी महाराज प्रभु से पूछते हैं मेरे लिए उपदेश योग्य कोई बात है तो आप बोलिए। तो प्रभु बोले कि इधर श्रीरंग में ही रहो, द्वय मंत्र को अर्थ के साथ अनुसंधान करते रहो, वही आपको करना है। जैसे एक चेला को एक गुरुजी उपदेश करते हैं वैसे रामानंद स्वामी जी महाराज को रंगनाथ भगवान उपदेश किए थे। तो श्रीरंगम में रामानंद स्वामी जी महाराज एक चेला के सदृश है और भगवान जो है गुरु के सदृश है। तिरुपति में देखिए आप, प्रभु के हाथों में शंख चक्र तो है ही, तिरुपति बालाजी के हाथों में पहले था नहीं, पहले तो था एक राजा था तुंडमान चक्रवर्ती करके, वो किसी दुश्मन के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था, प्रभु से आशीर्वाद मांगा, प्रभु बोले युद्ध करने जा रहा है ना तो मैं मेरे शंख चक्र देता हूँ, ले चलो जा करके युद्ध करो, जीत जाएगा, बाद में मेरे को वापस कर देना। तो वो लेके गया, वापस तो दिया ही नहीं है, जैसे पुस्तक ले जाते हैं तो कोई वापस नहीं देंगे आप, देखिए आप।
पुस्तक कोई भी आपसे ले जाएंगे ना, वो वापस भी नहीं देंगे और पढ़ेंगे भी नहीं। ले गए तो पढ़ना तो चाहिए, वो भी नहीं करेंगे। अगर सच में पढ़ते हैं तो अवश्य वापस दे देते हैं, पढ़ते नहीं इसलिए देते नहीं। पढ़ते ही नहीं, कहीं रख लेते हैं, बोलते हैं कि कभी पढ़ेंगे, पढ़ कर देंगे, अभी क्या है। फिर बोलते हैं कि कभी देंगे, फिर बोलते हैं कि वो तो भूल गए होंगे, अभी क्या देना है, वो तो भूल गए होंगे, अभी क्या देना है। तो इस तरह राजा जो लेके गया था शंख चक्र, वो भूल गया मालूम नहीं, या प्रभु भूल गए मालूम नहीं। प्रभु बोले जो दिया सो दिया, क्या मांगना है, तो मांगे ही नहीं। तो प्रभु को मालूम नहीं था कि ये तो मांगना ही चाहिए, ये जो शंख चक्र बगैर तो अपना नाम बदनाम हो सकता है करके प्रभु को मालूम नहीं था। तो पहले ही उनको निर्णय करना था कि ये दिल मांगे मोर, ये तो चाहिए शंख चक्र लाओ, लेकिन बोले नहीं वो। तो आखिर क्या हो गया, बहुत से शैव लोग आए, बहुत से शाक्त लोग आए, और कौमार संप्रदाय के सुब्रमण्य स्वामी कार्तिक भगवान को मानने वाले ऐसे ऐसे लोग आए और बोलने लगे, ये प्रभु है ना, शंख चक्र तो है ही नहीं, तो ये कैसे महाविष्णु है, कैसे नारायण है, ये तो हमारे शिव जी है। कोई बोले ये तो हमारे कार्तिक भगवान है, कोई बोले ये तो पुरुष ही नहीं है, अम्मा जी है, इस तरह भी बोले। तो अलग 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 प्रकार की बातें लोग जब करने लगे, तो वहाँ एक राजा था यादव राजा करके, उन्होंने विचार किया कि पूजा पद्धति जो है बहुत समय से वैष्णव लोग ही करते हैं और विष्णु समझ कर ही करते हैं, लेकिन ये चर्चा आजकल बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसका खुलासा क्या है, कैसे इसका कुछ फैसला किया जाए। तो वहाँ के भक्तगण बोले कि श्रीरंगम से रामानु स्वामी जी को बुलाओ, इधर वो आएंगे ना, तो सबको सुस्पष्ट रूप से समझा देंगे कि ये नारायणी ही है। वेंकटाद्री समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्री के सदृश स्थान दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, और वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, उनकी तरह एक भगवान, उनके सदृश एक भगवान पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। तो रामानु स्वामी जी आकर के विशेष रूप से समझाया, सब समझ तो गए, लेकिन सब क्या बोले मालूम है, स्वामी जी महाराज आप बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं, अनेक प्रमाणों को आप ले आ करके बहुत बढ़िया प्रवचन तो किए हैं, आप बोलने में समर्थ है, हम आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि आप बोलने में समर्थ है इसलिए जीत गए, शायद आपकी तरह हमारे में भी कोई बोलने में समर्थ वाला व्यक्ति सामर्थ्यशाली होता तो आपको वो जवाब दे देता, तो हम जवाब दे नहीं पा रहे हैं इसलिए आप जीत गए, ताकि हम जो सिद्धांत मानते हैं वो सिद्धांत को अभी भी हम मानते हैं कि ये शिव है, ये कौमार कुमार है, अथवा ये कोई अंबिका है, इस तरह बोलने लगे। स्वामी जी बोले देखो, मैं तो प्रमाणों को आपके सामने वर्षा की तरह मैंने तो आपके सामने तो रख दिया हूँ, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी रास्ता क्या रहा। तो बोले प्रभु स्वयं मानेंगे ना, प्रभु स्वयं कहेंगे कि मैं इस तरह इस पलान मूर्ति हूँ, तो हम मान लेंगे। तो स्वामी जी बोले ठीक है, ये पहले बोल दिया तो पहले वो कर लेते थे। तो अंदर जा करके क्या किया, शंख चक्र आदि नीचे रखा बनवा कर, शंख चक्र आदि भगवान के वो बनवा कर नीचे रखा, इतना ही नहीं त्रिशूल और बेल वो सब बना के, डमरू वगैरह वो सब बना कर रखा एक कोने पे, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर तो दोनों तरफ वैष्णव लोग शैव लोग शाक्त लोग सब खड़े थे। रामानु स्वामी जी बोले कि सुबह जब दरवाज़ा खोलेंगे तो उस वक्त जिन आयुधों को प्रभु धारण करके दर्शन देंगे उसके हिसाब से ये कौन है क्या है करके निर्णय किया जाएगा। तो स्वामी जी बाहर थे, तो सुबह दरवाज़ा जैसे खोले तो प्रभु शंख चक्र को धारण करते हुए सबको दर्शन देने लगे। रोते रोते रामानु स्वामी जी महाराज पास में जा करके हाथ जोड़ने लगे, तब भगवान क्या बोले मालूम है, आचार्य जी पधारिए बोले, आचार्य जी पधारिए बोले, कि आचार्य जी करके मेरे को आप बुला रहे, हाँ शंख चक्र तो आपने प्रदान किया, हमारे धर्म में शंख चक्र जो प्रदान करते हैं उन्हें तो हम आचार्य कहते हैं, तो मेरे लिए शंख चक्र प्रदान करने वाले आप है। अपन चंगाड़ी अड़ितरुम पेरुमाल, अपन माने तिरुमलय अपन श्री वेंकटेश्वर भगवान, तो उनको शंख चक्र प्रदान करने वाले तो गुरु बन गए, रामानु स्वामी जी गुरु और भगवान
शिष्य है। श्रीरंगम में भगवान गुरु थे, आप शिष्य रहे, तिरुपति में आप गुरु बन गए और भगवान शिष्य बन गए। तो कांचीपुरी में देखिए आप, विंध्य अटवी मतलब विंध्याचल में, विंध्याचल के पास वन पर्वत में कहीं रामानुज स्वामी जी महाराज खो गए। वैसे तो रास्ता तो मालूम ही नहीं था उनको, कांची कैसे आना है। तो उस वक्त एक शिकार शिकारिणी के रूप धारण करके कांची वरदराज भगवान और अम्मा जी दोनों आए और उनको वहां से साथ में ले आ करके कांची तक ले आ करके छोड़ा, कांची दिखाया वापस उनको। तो कांची पूर्ण स्वामी जी महाराज प्रभु से पूछते हैं कि आप रामानुज स्वामी जी को इस तरह बचाया क्यों, इतना खास है क्या वो? तो भगवान बोले मेरे पुत्र के सदृश है। क्या बोले? मेरे पुत्र के सदृश है। तो कांची में भगवान पिताजी हुए, रामानुज स्वामी जी महाराज पुत्र हुए, और मेलकोट में देखिए आप, भगवान पुत्र हुए, रामानुज स्वामी जी महाराज पिता बन गए। दिल्ली जा करके वहाँ राजा से मिलके और वहाँ रानी के वहाँ अंतपुर में जो प्रभु विराजमान थे, उस मूर्ति को दोनों हाथ ऊंचा करके इतना ही बोले कि वाराई सल्व पिल्लाई, आ जाओ मेरे संपत कुमार बोले। तो प्रभु आ गए, तो उनके गोद में बैठ गए। तो वहाँ से वापस मेलकोट ले आ करके प्रतिष्ठापन, पुनः प्रतिष्ठापन जो आपने किया, तो प्रभु यतिराज संपत कुमार, यतिराज जी के संपत कुमार, यतिराज जी के प्रिय पुत्र बन गए। तो देखिए इस तरह श्रीरंगम में भगवान गुरु, रामानुज स्वामी जी शिष्य, तिरुपति में रामानुज स्वामी जी गुरु भगवान शिष्य, कांची में भगवान पिता और रामानुज स्वामी जी पुत्र, मेलकोट में रामानुज स्वामी जी पिता और भगवान पुत्र, आट्रपड़ितान। तो देखिए धनी है तो रामानुज स्वामी जी धनी है, ऐसे धन कौन पाएगा, एक एक दिव्य देश में एक एक अनुभव। तो मगने अरिवु राहाय ऊट्रमुडयाई पेरियाई, ऊट्रमुडयाई ऊट्रमुडयाई माने भक्त रक्षण में श्रद्धा रखने वाले, भक्तों की रक्षा किए बिना मैं ठहरूंगा नहीं, आराम नहीं लूंगा, ऐसे जो है वो। उसके बाद बोलते हैं ऊट्रमुडयाई पेरियाई उलघिनिल पेरियाई, जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े जो है महात्मा जो है वो पेरियाई उलघिनिल तोट्रमाई निंद्र सुडरे तुइल राहाई, कारणकर्ता जो है वो भगवान ही है, जो भी है प्रभु से ही तो है। मनुस्मृति में इस तरह आता है, प्रशासितारम सर्वेशाम अणियाम समणीयसाम रुक्माभम स्वप्न दिगम्यम विद्यातु पुरुषम परम, भगवान जो है वो नियामक है और भगवान जो है जीव जो अणु है उस अणु से भी, अणु के अंदर भी प्रवेश करने वाला एक अणु भी होते हैं। और महान पर्वत के अंदर, स्थूल पर्वत के अंदर उस पर्वत की तरह आकार लेने वाले भी होते हैं, सूक्ष्म रूप भी धारण करते हैं, स्थूल रूप भी धारण करते हैं, जो परम पुरुष है पेरियाई सबसे बड़े हैं। तो देखिए उत्तमड़याई पेरियाई उलघिनिल तोत्तमाई निन्न सुडरे तुइलराय, कारणम तु द्येयः, कारण पुरुष है, कारण जो है वो है, बीज जो है वो प्रभु है। तो जो भी हम देखते हैं, जो भी है सृष्टि में, तो उन्हीं के वजह से है। मातारुणक वलि तोलिंदुन वाशर्कणात्ताद वंदुन नडिपणीमा पोले पोत्याम वंदोम पुगंडेलोरिम पावाय, प्रभु के शत्रुगण प्रभु के पास आकर के अपनी हार को मानते हुए हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्रभु देखिए हम हार गए हैं आपसे, आपसे लड़ने नहीं आए हैं, बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए हैं। मातारुणक वलि तोलिंद उन वाशर्कण आत्ताद वंदुन अडिपणियुमा पोले, हम भी इस तरह आए हैं। अम्मा जी बोलते हैं कि हम भी आपके द्वार पर इस तरह आए हैं, हार मान करके आए हैं, हम हमारे नहीं आपके है करके, आपकी जीत को मान करके हम आए हैं। और पोट्रियाम वंदोहम, जय हो जय हो जय हो करके बोलते बोलते आपके द्वार तक आए हैं। इरंगेलो रिंपावाई, कृपा करिए हमारे ऊपर, हमारे ऊपर अवश्य कृपा कीजिए, इस तरह प्रार्थना करते हैं। तो इस पाशुर में वैसे तो देखा जाए तो हमने वो आत्तपड़ितान मगने का ही अनुभव हुआ है अभी, फिर बाकी जितने भी इसमें लाइन्स है तो जल्दी जल्दी हो गया। जो भी है आत्तपड़ितान नंद जी है, उस धनी के सुपुत्र जो है कन्हैया,
आपका अवतार हमारे लिए हुआ है यहाँ, तो आप आराम कर रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं, ये उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो कृपया जागिए। इस तरह प्रार्थना करते हैं। तो आज का पाशुर का अर्थानुसंधान इस तरह यहाँ अनुभव का विषय बना। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पाशुर का अनुसंधान दास के पीछे पीछे अवश्य करिए करके। ये तकलंगल यदिर पोंगी मीदलिप माट्रादे पालसोरियुं वल्लल पेरुंपशुकल आट्रपड़ैतान मगने अरिवुराय ऊट्रमुडयाय पेरियाय उलगिनिल तोट्रमाय निन्र सुडरे तुयिलिडाय माट्रार उनक्कु वलितोलैंदु उन्वाशर्कण आट्रादु वंदु उन् अडी पणियुमा पोले पोट्री याम वंदोम पुगंदेलोरें पावाय श्रीमते रम्यजामात्र मुनींद्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथयामोन मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा यति पति पद भृंगम कौशिकाधीश चंद्रम सठरी उमत सत्तम वादि सिंह भक्तम कमल नयन मार्या नंत वर्य शिष्यम सकल बुध वरिष्ठम योगी राजम भजामी योगी राजम भजामी।